सुबह सुबह अगर कुछ हल्का फुल्का बिना तेल का बना हुआ नाश्ता अगर खाने को मिल जाए तो क्या बात है फ्रेंड्स। तो आज मैं एक ऐसा ही नाश्ता का रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और वो भी बिना तेल का सुपर सॉफ्ट हेल्दी नाश्ता। आप इस नाश्ता को मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या फिर अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं बना करके। एकदम रुई से भी ज़्यादा नरम सुपर सॉफ्ट बनता है फ्रेंड्स। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि ऐसे में ऑयली खाना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो आप ये हल्का फुल्का नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फील लाइव विद रेनू। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और मेरा वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, कॉमेंट करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सुपर सॉफ्ट हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार में 1 कप सूजी लिया है और आधा कप दही, और अब मैं इसमें आधा कप पानी ले रही हूँ। 1 कप सूजी के लिए आधा कप दही और आधा कप पानी ले, दही आप 2-3 दिनों का ले सकते हैं। और अब मैं इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। ऑयल भी आप जो खाते हैं वो ले सकते हैं, बट सरसों का तेल मत लें। और सबको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, करीब 1 मिनट तक अच्छे से ग्राइंड कर लें, स्मूथ बैटर रेडी कर लें। जैसे डोसा वगैरह के लिए होता ना, बस वैसा ही बैटर चाहिए। और अब मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, महीन या फिर मोटा वाला। तो चलिए बैटर को भी ढक करके साइड में रख देते हैं और आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो नाश्ता के साथ सर्व करने के लिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हेल्दी चटनी रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा धनिया पत्ता ले रही हूँ, अच्छे से वॉश करके लिया है, रफली चॉप कर लेना है। और अब यहाँ पर 1 टुकड़ा कच्चा आम लिया है, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए ये चटनी बना रही हूँ तो उनको ज़्यादा खट्टा चटनी नहीं पसंद होता है। तो बस 1 टुकड़ा कच्चा कैरी का लिया है, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लिया छील कर, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और सबको मिक्सी के जार में डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच भुना हुआ मूंगफली ले रही हूँ, इससे चटनी का टेस्ट और बढ़ जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंड कर लेना है, आप चाहें तो भुना हुआ चना भी ले सकते हैं। तो देखिए चटनी अच्छे से ग्राइंड हो गया है, तो एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ चटनी को। जार में भी थोड़ा सा लगा हुआ है तो थोड़ा सा पानी डाल करके डाल लेते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाला है, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो चटनी हमारा रेडी हो गया फ्रेंड्स, बट मैं इसके स्वाद को और डबल करूँगी, इसमें तड़का लगाऊंगी। तो 1 तड़का पैन चढ़ाया है और उसमें डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो गया था तब डाला है 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई, 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूंगी। इसे कवर कर देते हैं क्योंकि छींटे पड़ते हैं। तो ये देखिए चटनी में तड़का लगा दिया है, चटनी का कलर कितना अच्छा आ गया है। ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है चटनी। तो चलिए चटनी भी हमारा रेडी हो गया है, तो इसे साइड में रख देते हैं। तो चटनी को रेडी करते हुए करीब 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो इतने में बैटर हमारा और स्मूथ हो गया है, अच्छे से फूल गया है, तो नाश्ता और सुपर सॉफ्ट बनेगा। तो अब मैं इसमें कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो 2 बड़ा चम्मच के करीब कटी हुई गाजर लिया है, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। 1 चम्मच के करीब शिमला मिर्च लिया है, 1 हरी मिर्च कट करके लिया है और धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा ले रही हूँ और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। ये नाश्ता फ्रेंड्स एकदम कम मसालों में बन करके रेडी हो जाता है, एकदम हल्का फुल्का सॉफ्ट। सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ।
मैं ये नाश्ता स्टीम करके बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो पहले पानी को गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ाया है और एक गिलास पानी डाल देती हूँ। तो जब तक हमारा पानी गर्म होगा आगे नाश्ता के लिए रेडी कर लेंगे। इसे ढक देते हैं। और अब मैं इसमें दो चुटकी खाने वाला सोडा ले रही हूँ, मीठा सोडा। आप यहाँ पर इनो का फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दो चुटकी ही डालना है फ्रेंड्स। तो नाश्ता को स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने ये छोटी छोटी कटोरियाँ लिया है। आप किसी भी चीज़ में स्टीम कर सकते हैं, जैसे कि टिफिन बॉक्स हो गया या फिर कोई छोटा प्लेट, डिश, ग्लास, किसी भी चीज़ में स्टीम कर सकते हैं। और अब मैंने तीनों कटोरियों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है, जिससे कि नाश्ता हमारा अच्छे से निकल जाएगा, टूटेगा नहीं। और इसके बाद तीनों कटोरियों को बैटर से फिल करना है। बैटर हमें पूरा नहीं फिल करना है फ्रेंड्स, बस कटोरी का 3/4 पार्ट ही हमें फिल करना है। एक हिस्सा खाली रहने देना है, क्योंकि जब नाश्ता कुक होगा तो वो फूलेगा, क्योंकि मैंने बेकिंग सोडा यूज किया है इस वजह से। तो अगर ज़्यादा भर दीजिएगा तो नाश्ता आपका बाहर निकल सकता है, गिर सकता है। उसके बाद हल्का सा टैप कर दिया, जिससे कि अच्छे से नाश्ता हमारा कुक होगा। और अब मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा कलौंजी स्प्रिंकल कर रही हूँ ऊपर से, जिससे कि नाश्ता बहुत ही सुंदर लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को पहले हम लोग आँखों से खाते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि देखने में सुंदर लगता है तभी खाने की इच्छा होती है। तो ये देखिए, इधर पानी भी हमारा गर्म हो गया है। तो तीनों कटोरियों को पैन में रख दूंगी। आप चाहें तो स्टैंड रख के उसके ऊपर बर्तन रख दें, स्टीम कर सकते हैं। बट ये देखिए, एक बार में तीनों कटोरियाँ आ गई हैं। तो कवर कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट इन्हें कुक करना है, स्टीम करना है। 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाता है, एकदम सुपर सॉफ्ट, नरम, रुई जैसा मुलायम। इडली बनाने में तो तामझाम करनी पड़ती है फ्रेंड्स, दाल चावल भिगोना पड़ता है, फर्मेंटेशन के लिए रखना पड़ता है। बट इस नाश्ता के लिए आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस मुश्किल से 15 मिनट में ये नाश्ता बन करके रेडी हो जाता है फ्रेंड्स, और खाने में इडली जैसा ही लगता है। तो देखिए, करीब 10 से 12 मिनट हो गए हैं, नाश्ता हमारा अच्छे से फूल गया है। कोई भी चाकू या टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लें कि नाश्ता अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। अगर कुक ना हो तो 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा कुक कर लें। और नाश्ता को फ्रेंड्स डीमोल्ड ठंडा होने के बाद ही करें, एकदम अच्छे से क्लीन आउट होगा, निकलेगा बाहर नाश्ता। देखिए, करीब 4-5 मिनट हो गया था ठंडा होते हुए। तो आप देख सकते हैं, अपने आप ही नाश्ता आसानी से निकल रहा है, हमें नाइफ़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा किनारे को लूज करने के लिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो चाकू की हेल्प से इसके किनारे को लूज कर ले और नाश्ता को निकाल ले। बट ये देखिए, अपने आप ही नाश्ता हमारा अच्छे से निकल रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, रुई जैसा नरम नाश्ता बना है फ्रेंड्स, फूला फूला। आप इस नाश्ता को मन चाहे पीसेस में कट करके अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, या फिर शाम को भी खा सकते हैं, जब मन करे फ्रेंड्स कुछ हल्का फुल्का हेल्दी टेस्टी टेस्टी सा खाने का। तो आप इस तरीके से सूजी और दही का नाश्ता रेडी कर सकते हैं। अभी गर्मियों में हल्का फुल्का ही खाने का मन करता है और साथ में हेल्दी टेस्टी चटनी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।